मंदसौर खानपुरा में रीडिंग लेने पहुंचा कर्मचारी को उपभोक्ता ने डंडे से किया हमला, हुआ घायल। मंदसौर खानपुरा के बरगुंडा मोहल्ले में आज रीडिंग लेने आए कर्मचारी घर पर पहुंचा तो उपभोक्ता द्वारा शराब के नशे में रीडिंग ले रहे कर्मचारी पर डंडे से हमला कर दिया और कर्मचारी घायल हो गया, जिससे वह नीचे गिर गया। आसपास रीडिंग ले रहे कर्मचारियों को सूचना लगी, वैसे ही मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी पहुंचे और घायल यशवंत शर्मा को जिला अस्पताल मंदसौर उपचार के लिए लाया गया, जिसके बाद एमपी भी अधिकारियों को सूचना दी गई और सभी लोग एकत्रित होकर कोतवाली थाने पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग की गई कि नशेबाज गोपी पिता विनोद द्वारा नशे में हमला डंडे से किया गया है और घायल यशवंत शर्मा अपने रीडिंग लेने वाले कर्मचारियों के साथ कोतवाली थाने पर पहुंचा और अधिकारी मणिशंकर मणि के साथ मिलकर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी को एक आवेदन दिया गया, जिसमें मांग की कि जिन लोगों ने हमला किया है उस व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाए। यह घटना मंदसौर में पहली बार नहीं, पहले भी कई बार घट चुकी है और इस तरह रीडिंग लेने वाले कर्मचारियों पर उपभोक्ता हमला कर देते हैं। आज भी बड़ा हादसा होते हुए टला, सर के ऊपर डंडे से गोपी नशेबाज ने हमला किया, जिससे यशवंत शर्मा कर्मचारी को सर पर चोट आ गई। कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने कहा, जिस युवक ने रीडिंग लेने आए कर्मचारी के साथ मारपीट की है उस व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यशवंत शर्मा द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मैं रीडिंग लेने गया था और पीछे से नशेबाज गोपी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। रीडिंग कर्मचारियों में काफी आक्रोश है और उनका कहना है कि यह कोई पहली बार हमला नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हमारे ऊपर रीडिंग लेने वाले साथियों पर हमला हो चुका है। मैं रीडिंग लेने गया तो वहाँ बारकोड नीचे गिरा था, तो बारकोड लगाने लगा तो मतलब मैंने चद्दर वगैरह पड़े थे, वहाँ बारकोड लगाया मैंने तो उससे बोला, उसके सदस्य थे घर के, बारकोड वहाँ गिर गया। मैंने ये अगली बार लगा दूँ, आप ये अंदर रख दो, बारकोड अंदर रखने की बोला। उसके बाद वो आया, उसने दारू भी रखा था और वो आया और मेरे से बोला कि तू यहाँ इसको देना, मतलब इसको बोला कैसे, मतलब तू आता देने। बोला भैया मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ, मेरा कार्य ये नहीं है, मैं आप ले जाऊँ यहाँ। उसके बाद मैंने मेरा काम करके रीडिंग लेके आगे निकल गया, आगे निकला जस्ट उसने पीछे से आके मेरे लठ मारी है। हाँ। और उसके बाद मेरे को चक्कर आ गया, मेरे साथी आ गए, उसके बाद क्या घटना हुई मुझे नहीं पता। कौन व्यक्ति थे मारने वाले? विनोद के नाम से उसका कनेक्शन है। हाँ। गोपी नाम है उसका लड़का है। हाँ। उसने मारा है। आप क्या चाहते हैं आप? उसका FIR कटे, उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा हो, मेरे साथी के साथ गलत सलूक नहीं हो आगे से। अगर हम सब फील्ड में जाते हैं मीटर रीडर अकेले, अगर आज उसने गलत कदम उठाया कल के बाद दूसरा उठाएगा, उसके लिए हमें यही मतलब हम रिक्वेस्ट करते सर से कि उसके साथ खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कहाँ पर गए थे आप? बरमुंडा मोहल्ला। क्या नाम आपका? यशवंत शर्मा। ये रीडिंग ले रहे तो हर एक मंथ लेते हैं, फोटो मीटर रीडिंग करते हैं। यशवंत शर्मा जो मीटर रीडर जो हमारे मंदसौर तन के अंदर पदस्थ हैं, तो ये शायद इनकी एरिया बरगुंडा वाली गली थी, वहाँ पे ये ले रहे थे। और उनको आजकल क्या है, QR कोड से स्कैन करके रीडिंग लेनी होती है, तो वो लेने में इसको असुविधाएँ हो रही थी, तो कुछ चादरें या उनके सामान पड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला कि इसको थोड़ा साइड करके इसको रख लीजिए। तो वो कोई लेडीज थी या लड़की थी, जो आई डोंट नो, मैं तो नहीं था वहाँ मौजूद, जैसा बता रहा है, तो कोई लड़की थी, इसको इसने बोला कि बहन जी इसको थोड़ा सा आप साइड रख लीजिए। अब इसी दरमियान में उसने रख भी ली, ये रीडिंग लेकर के जा रहा था, तो पीछे से उसका भाई था या उसका हस्बैंड था या चाचा अंकल था, क्या था वो तो मुझे क्लियर स्पष्ट नहीं है मालूम मुझे, लेकिन उसने आया और बिना इन्फॉर्मेशन के पीछे से इसकी वार कर दिया, जो कि आप देख भी रहे हो, इसको चोट लगा और ये गश्त खा के वहीं पे गिर गया। तो फिर इनके साथी लोग जा कर करके हॉस्पिटल ले गए, जहाँ इसकी ट्रीटमेंट हुई, अभी होश में आया है। बस यही तारतम्य है, इसी के अगेंस्ट हम आए हैं यहाँ पे, उसके प्रति कुछ से कुछ सख्त कार्रवाई हो जाए। मणिशंकर मणि। एक व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें बताया है कि बरगुंडा मोहल्ले में मीटर रीडिंग लेने गए थे और उसका बारकोड निकाल कर देने पर कुछ विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें एक व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की है। आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया गया है और जांच हेतु जांच अधिकारी को दे दिया गया है, जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी।